और जो आज का विषय है इसका स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता हमें कई बार ज्यादा बोलने के लिए भी आजादी दे देती है। तो चूंकि आप सरकारी व्यवस्था में है, ज्यादा बोलना इनके लिए कोई ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। कई बार हम अपने हकों की बात कर लेते हैं, सरकार के लोग बात कर देते हैं। आज हमने गौर किया होगा सर केले सर कि हमने अभी सरकार से हक नहीं मांगे, हम अभी खुद को ही प्योरीफाई करने की विशेष उत्कृष्ट इच्छा रखते हैं, फिर हो सकता है सर हक की बात करेंगे। मैं आभार हमारी मेघना मैम को भी करना चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने कहा कि मैं तैयारी के साथ बोलूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ आपकी पर्सनलिटी से समझौता कीजिए और हमें 2 मिनट 5 मिनट दीजिए। निश्चित रूप से इन्होंने हमारा मान रखा और आ गई और बहुत अच्छी लाभप्रद बातें भी हमें सुनने को मिली। और हरिशंकर जी के लिए विशेष ये आयोजन हमने किया था, आप जिले के वो पद पे बैठे हैं और बहुत सी चीज़ों को हमारे को लाभान्वित कर सकते थे, पर किसी मीटिंग में वो व्यस्त हो जाने के कारण आज नहीं आ पाए। उन्होंने आश्वस्त किया कि कभी भी आप आदेश करेंगे तो मैं आज ही रहूँगा। और हमारे मंच पर विराजित संचित महोदय नीरज जी का, तो ये जो आज का दिन तो जो स्पेशली सेलिब्रेट करना था उसकी जो कहते हैं ना तिल्ली आग लगाने के लिए या यूं कह लो जागरूक करने के लिए, तो आज से 4-5 दिन पहले इन्होंने कहा था कि एक दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। कई दिनों से कह रहे थे कि जो बीकानेर में थोड़ी सी शून्यता आ गई है ऐसे आयोजनों को लेके, पत्रकार और जो पुराने हमारे साथी हैं जो हमें मार्गदर्शन देते आए, तो ऐसे आयोजनों की परंपरा बंद हो गई है, तो संगठन की उपाध्यता सिद्ध हो जाएगी। और इस जो हमारे लिए दिन है, जो पेशे के लिए दिन है, उस दिन ही अगर हम एकत्रित नहीं हो पाए तो फिर कब होंगे। तो ये बहुत बात की हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी और आप सभी ने इसका मान रखा और अपन सब बैठे हैं। जैसा महेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि संख्या मायने नहीं रखता, रोशन जी की भी विशेष इच्छा थी कि पहले हम सदस्य एक दूसरे को जाने समझे, बातचीत करें और कैसे नया एक प्रारूप लेकर पत्रकारिता का हम सामने आए, ताकि लगे कि कोई संगठन बनाए तो कोई अच्छा दृष्टिकोण से बनाए, न कि ठेकेदारी प्रथा का इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने संगठन बना दिया, ऐसा कुछ भी मंशा नहीं है। सब सामान्य व्यवस्था के लोग हैं और पत्रकारिता को मिशन मान के इसको आगे बढ़ाना हमारी विशेष इच्छा है। मैं आभार हमारे मंच पर विराजित सचिव महोदय का भी करना चाहूंगा कि जो आपने देखा होगा उनकी कार्यशैली अभी बहुत नया संगठन बनाए और उसके लिए हर घंटे कुछ न कुछ ऐसा डालना जिससे लगे कि हम जिंदा है। इतनी सारी बधाइयां अचानक से मिलनी शुरू हो गई, देते हैं ऐसा नहीं कहता कि कोई याद ही नहीं करता, लेकिन एक तो फॉर्मेलिटी सी दिखने लग गई थी और पिछले कुछ दिनों से एक्टिविटी आने लग गई है, कई प्रशासनिक स्तर पर हलचल शुरू हो गई है, तो हमारे संगठन का उद्देश्य पूरा होने की लग रहा है कि कहीं ना कहीं सभी लोग एक्टिव हो रहे हैं और हम एक्टिव हैं ये कोई हमारा दावा नहीं है। सभी एक्टिव हो, सभी काम करें। जब जनसंख्या हम 150 करोड़ हो गए हैं तो चार संगठन भी बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। हम आगे उनके साथ काम करेंगे, वो भी करेंगे, नहीं वो मेंबर नहीं, मेंबर अभी नहीं बने हैं मैम, मेंबर उसका कारण ये कि अभी वही मेंबर बने हैं कि जिनको ये पता था और हम एक साथ बैठ गए, कोई निर्णय आपको लेकिन नहीं कह रहा, ये हम सबके लिए संवाद का विषय है, संवाद के रूप में बात कर रहे हैं। हमारे सदस्य में भी हो सकता है कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, केवल आपका प्रश्न नहीं था, क्योंकि आपके प्रश्न में मुखरित आपसे हुआ तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि सभी सदस्य बनेंगे चूंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। मारवाड़ी भाषा में बोलूँ तो बहुत ही मैं गुड बहुमत समझते हैं ना मारवाड़ी पर, गोठली में मतलब हमने कहा कि ठेले में ही गुड़ टूटा है, ज़्यादा बाहर इसका बखान नहीं किया है। तो धीरे धीरे हम लोगों के बीच में जाएंगे हमारी बात लेके, हमारी चीज़ों को लेके। उससे पहले जितने भी चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 20 है, अपने आप को परिष्कृत रूप में सामने लाए कि हम आपके साथ काम करने लायक हो गए हैं, जिम्मेवार हो गए हैं। एक हमारी ड्यूटी बाहर जाए संगठित होके तो उनको भी लगेगा कि ये केवल संगठन हमारे बिल्कुल क्या, देखो 2-3 संगठन ऑलरेडी चल रहे हैं और उनके बीच में हमारा संगठन लेके जाएंगे तो क्या जरूरत है, जिससे उनका सवाल जाएगा कि क्या जरूरत है, तो क्या जरूरत है वो जरूरत हम साबित करके उनके पास जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि इनका भाव केवल वो नहीं था कि कोई एक संगठन बनाना है, कोई चेहरा बनना है, यह समाज की नीड थी, बढ़ती बीकानेर की बढ़ते व्यवस्था की नीड थी कि इस तरीके के सोच के लोग भी एक तरीके से काम करें। मेरा आभार तो मेरा मंच पे बैठे वरिष्ठ से ज्यादा आप साथियों से है, क्योंकि आपके कारण से ये संगठन है, आपके कारण से हम एक साथ हैं और आगे हम मुझे काम करते रहेंगे, आपने मुझे एक साथ
की जिम्मेवारी दी है, सचिन मौर्य जी को भी दी है, कोशिश करेंगे कि एक साल हम आपको दें पूरा का पूरा। आभार, अभिनंदन। रोशन जी का विशेष आभार, इनकी बहुत मैं ये सोचता हूँ कि आपने देखा होगा लेखन शैली भी इनकी बहुत प्रॉपर है, काम भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और हम मैंने देखा लगभग लगभग सब अच्छा काम करने की अपनी खुद की इच्छा रखा आपने, रोशन जी हमने नहीं कहा, आपकी जो इच्छा है वो ये खुद ही इन्होंने जल गई कि हमें अच्छा ही करना है। तो हम सब मिलके अच्छे तरीके से कैसे बढ़िया भाषा दृष्टि और फैक्ट और परिपक्वता, ये चार सब्जेक्ट आपने जो बताए हैं, ये चार चीजें आगामी आने वाले दिनों में कैसे कवर कर पाए, कैसे निश्चित रूप से बहुत से करते हैं, कुछ हो सकता है नए इसलिए नहीं कर पा रहे, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ आधे अधूरे हैं, कुछ नवापुर है, सब मिलके सब हासिल कर लेंगे, ये हमारा संगठन का उद्देश्य रहेगा। और राष्ट्रीय स्तर की बात की तो मैं हौसले तो बुलंद है कि खबर एक्सप्रेस जब शुरू हुई थी उस वक्त भारत में कोई भी हिंदी पोर्टल नहीं था, पूरे भारत में बीकानेर से खबर एक्सप्रेस हिंदी पोर्टल शुरू हुआ था, उस वक्त यूनिकोड फॉन्ट भी नहीं था, आज जो आप हमें फॉन्ट यूज करते हैं यूनिकोड टेक्नोलॉजिकल, वो उस अस्तित्व में नहीं था जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। हम जब पत्रकारिता शुरू कर रहे थे तब ये एक जो आपने देवलिपि वगैरह सुने होंगे ना, ये जो उसी को हमें टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करके सर्वर पे रखना पड़ता था और वो डायरेक्ट जो है वो आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कन्वर्ट होकर फिर दिखता था। तो जब हमने शुरुआत की तो उस समय से किए और आज फिर से आप लोगों का साथ मिला है, बीकानेर से ही कोई पोर्टल एसोसिएशन बना है, तो हो सकता है उस वक्त अकेला हो, आज अकेला नहीं हो, मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ना कुछ करने का, कुछ मार्ग करने का प्रयास करेंगे। आभार, अभिनंदन।